बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों भाइयों के हाल हैं, सब ठीक ठाक हैं? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूं कि सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रही है। ये दो कंपनियां मैपल लीफ और फौजी सीमेंट, इन दो स्टॉक्स में मंडे से बड़ी तेजी आ सकती है। डिफरेंट सोर्सेज से ज़बरदस्त खबरें मशहूर। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। जो दोस्त हमारे ऑफिशियल प्रीमियम गोल्ड प्रीमियम और लर्निंग ग्रुप में आना चाहते हैं और इसके साथ पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहे हैं, आप वॉइस मैसेज करके डिटेल हासिल कर सकते हैं। दोस्तों देखें, सीमेंट सेक्टर के हवाले से काफ़ी अच्छी अच्छी खबरें हैं कि अब जैसे इन्फ्लेशन देखें 9.6 से 6.9 पे आ चुका है, ये सितंबर क्लोजिंग। अब अक्टूबर का जो डाटा आएगा वो तो बाद की बात है, लेकिन यही काफ़ी खबरें इस तरह की गर्दिश हैं कि जो मॉनेटरी पॉलिसी 4 नवंबर को आनी थी वो मॉनेटरी पॉलिसी अर्जेंट रखी जा रही है और उसमें एक बड़ा इंटरेस्ट रेट कम किया जा रहा है ताकि इकोनॉमी को बूस्ट किया जाए। तो लिहाजा ये बेनिफिशरी बहुत ज़्यादा है। दूसरे नंबर पे मुख्तलिफ ब्रोकरेजेस हाउसेज की तरफ से ये रिपोर्ट्स हैं, इन दोनों के प्रॉफिट्स में खातिर खा इजाफा हो रहा है, जिसके बेसिस के ऊपर ये दोनों कंपनियां जो है इनमें काफ़ी ग्रोथ आ सकती है। और अगर इनकी अर्निंग्स में काफ़ी ग्रोथ आएगी तो फिर जाहिर सी बात है कि इनके शेयर प्राइस में भी ग्रोथ आएगी। तो बाकी देखें, इसकी सेल में जब भी इजाफा होता है तो सेल के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है, प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती है तो अर्निंग में इजाफा होता है, अर्निंग बढ़ती है तो कंपनियां डिविडेंड भी देती हैं और साथ साथ उनके शेयर प्राइस की ग्रोथ में भी इजाफा होता है। आगे आप खुद समझदार हैं। तो दोस्तों ये एक एजुकेशन प्रॉपर वीडियो थी, नॉट बाय सेल कॉल। खरीदना है बेचना अपनी मर्जी करनी है। दुआओं में याद रखिएगा आपका दोस्त आमिर शहजाद। अल्लाह हाफिज़।